दर्शकों नमस्कार, मैं हूं निशान भाई। आप मुझे देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव पर। जैसा कि मैं आपके सामने हमेशा एक नया विषय लेकर आता हूं, आज भी आपके सामने एक नया विषय लेकर आया हूं, विधानसभा चुनाव का आगाज। जैसा कि आपको मैंने मेरे पिछले एपिसोडों में बताया है कि विधानसभा क्षेत्र में जा जाकर उनके स्थानीय विधायक के बारे में हमने जनता की राय ली है, जिस राय में लोगों ने उन्हें क्या कहा है, यह हम उस विधायक को दिखाने का इस प्रोग्राम के माध्यम से हमारा एक छोटा सा प्रयास है। आज देखते हैं तिरोड़ा विधानसभा क्षेत्र के जो विजय रांगडाले हैं, उनके खुद के एक जो जहां से वो जिस गांव के मूल बस्ती, जिस गांव की है खमारी, उस गांव के ही जनता का क्या है कहना, देखते हैं। हम लोग इस वक्त मौजूद है तिरोड़ा गोरेगांव विधानसभा क्षेत्र कहलाया जाता है। यह तिरोड़ा शहर से मात्र 5 से 7 किलोमीटर दूर एक खमारी करके गाँव है। इस गाँव में हम लोग मौजूद हैं। यह जो गांव है यह विकास से काफ़ी कोसों दूर है, ऐसा हमें जब हम इस गांव में अभी आए हैं तो हमें यह देखने में आया है। अब हम यहां के जो स्थानीय लोग हैं उनसे भी चर्चा करेंगे कि उनके गांव में क्या क्या योजना हुई है और क्या योजनाओं का उनको लाभ मिला है, मिला या नहीं मिला, या योजनाएँ कागजों पर चली है या यहाँ वास्तविकता में वो योजनाओं को पूर्ण रूप मिल पाया है, हम जानने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ कुछ लोग जुड़े हैं। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम सुरेश सुखदेव चामलाटे। अच्छा, चामलाटे जी आप खमारी गांव के रहने वाले? हाँ, खमारी। खमारी के लिए। अच्छा बताइए कि ये गांव में विकास कितना हो पाया है, यानी सड़कें वगैरह, नालियाँ वगैरह बनी है आपके गांव में? सर नालियाँ तो अभी, आप तो गोंदिया से आए छो, अब आपको तो दिखाई दिया रोड। हाँ। हमारे गाँव का कितना विकास हुआ नहीं हुआ। हाँ। वो तो साफ दिखाई दे रहा है। अच्छा मुझे बताइए, जो प्रधानमंत्री आवास योजना है इसमें यहाँ के लोगों को कुछ लाभ मिला है? हाँ सर, लाभ तो मिला है। हाँ। अभी किसी किसी का आया है। अच्छा, अभी वो कब आते हैं वो गारंटी नहीं है। अच्छा अच्छा, ये बात बताइए कि यहाँ इस जगह में जो मनरेगा की, यानी महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजना करके चलती है, तो इसमें इस गांव में कितने दिन काम रोजगार मिल पाया? अभी तो सर ऐसा, अभी कम से कम 30-35 दिन तो कंटिन्यू चला अभी। 30-35 दिन मिला है। अच्छा, यहाँ आपके गांव में स्वास्थ्य सेवा वगैरह, यानी यहाँ अस्पताल वगैरह? अस्पताल तो नहीं है सर। अस्पताल नहीं है, नज़दीक सुकड़ी है एक हमारा। अच्छा, सुकड़ी में है सर। तो आप लोग यहाँ से सुकड़ी जाते हैं अस्पताल के लिए? हाँ। जो भी ये रहता है। अच्छा एक बात बताइए, इस गाँव में रोजगार के क्या साधन है? रोजगार का तो साधन कुछ नहीं है सर, अदानी पावर प्लांट है। अच्छा, वहाँ तो कुछ लोग गए हैं जो थे, अभी तो वहाँ से निकाल दिए। अच्छा, वो ठेका पद्धति में है कि वहाँ परमानेंट जॉब पर है वो लोग? वो तो कुछ ठेका पद्धति में है सर अभी। अच्छा, यानी वो कॉन्ट्रैक्टर खेती बाड़ी का ही हो। अच्छा, अच्छा एक बात बताइए, इस गांव के जो मूल निवासी कहा जाएगा उन्हें, इस गांव के ही रहने वाले हैं ना शायद विजय रांगडाले जी? हाँ सर। तो उन्होंने इस गांव का विकास किया कि नहीं किया, क्या लगता है आपको? क्या बोलेंगे सर, अभी विकास तो हो रहा है। अच्छा, हो रहा है अभी। अच्छा, मैं और दो लोगों, 4 साल के अंदर तो नहीं हुआ, अभी हो रहा है, अभी 5 महीना और अभी बाकी है ना। हाँ। तो अभी थोड़ा थोड़ा विकास हो रहा है। अच्छा, अभी विकास हो रहा है। अच्छा, क्या नाम है आपका? रविंद्र कीटे। कीटे जी, आप खमारी गांव के रहने वाले हैं। अच्छा, क्या लगता है आपको कि यहाँ आपने जो स्थानीय विकास निधि के अंतर्गत विधायक ने काम किए हैं या नहीं किए? विधायक ने काम किए मतलब ऐसा है, जैसे अभी रोजगार हमी अंतर्गत जो पेटा वाटप मिली है, कुछ कुछ के 5-5 हज़ार रुपये जो दिए गए हैं। हाँ। तो वो मिल रहे, अभी मिलना चालू है। अच्छा। बोतान से मेरे को लगता है कम से कम 100 या 150 लोगों को हमारे गांव में। अच्छा, यहाँ स्थानीय विकास निधि के अंतर्गत, विकास निधि के अंतर्गत यहाँ रोड, सड़कें, पीने के पानी की योजना वगैरह ऐसी कुछ? पानी की योजना मतलब हमारे गांव टंचाई वाला नहीं है सर। अच्छा। कुएं का है, तो कुएं के हिसाब से नल योजना बोलो या ऐसा कुछ ऐसा। अच्छा, तो आपके गांव में सड़कें वगैरह बनी है? सड़कें पहले बनी थी। कब बनी थी ये सड़कें? 5-6 साल पहले। अच्छा, 5 साल बाद? अभी ज्यादा साल अभी नहीं बनी? नहीं, अभी नहीं बनी, अभी नहीं। यानी आपके गांव में जब हम लोग आए हैं तो इतना है ना गड्ढों का सड़क है, तो वो हम खुद ही, हमको सफर आपको दिखाई दे रहा है, आपको दिखाई दे रहा है। अच्छा, तो क्या लगता है कि यहाँ का, यहाँ जो, यहाँ के जो निवासी विधायक है, यानी इस गाँव के मूल निवासी है वो जो विजय रांगडाले जी, तो वो सक्रिय विधायकों में है कि निष्क्रिय विधायकों में कहेंगे? देखो अभी तो 5 साल बीतते जा रहे हैं, धीरे धीरे सक्रिय में आए।
अच्छा, आ रहे। अब कब आए सक्रिय में? अभी आए बिल्कुल 6-7 महीना पहले, अभी थोड़ा धीरे 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 काम होते आ रहा है। सक्रिय है 6-7 महीने पहले? हाँ, अभी हो रहा है काम। अच्छा, अच्छा। अब अपने गांव में नहीं हुआ लेकिन क्षेत्र में हुआ होगा, वो नहीं बता सकते अपन। अच्छा, अच्छा। अपन अपने गांव की बताएंगे। हाँ, नहीं, आप ही के गांव के बारे में जो जानकारी ले रहे थे। खमारी गांव के और कुछ लोगों से हमने जानने का प्रयास किया हुआ है कि यहाँ स्थानीय विकास निधि के अंतर्गत क्या क्या काम हुए हैं, जैसे रास्तों के, नालियों के या शिक्षा संबंधित जो भी काम होते हैं वो हमने इनसे जानने का प्रयास किया है। क्या नाम है आपका? किशोर रांगडाले। रांगडाले जी, बताइए यहाँ के जो विधायक हैं, हाँ। विजय रांगडाले जी, उनके माध्यम से इस गांव के विकासात्मक कार्यों में क्या क्या योगदान रहा है? हमारे गांव में शमशान भूमि बन गई है। अच्छा। विजय रांगडाले उनके निधि से रोड बने हुए है। तो रोड कौन से वाले बने? आपके गांव का तो रोड बना ही नहीं है। ये देखो, नहीं, ये वाला जो है ना, हाँ। ये यहाँ से तो वहाँ तक के ये बनाए। अच्छा। विकास निधि से, हाँ। नहीं, आमदार निधि से। और स्कूल की बाउंड्री वाल। अच्छा। और जो अंदर वाले जो रोड है ना वो। अच्छा, इस गांव में स्वास्थ्य सेवा वगैरह यानी अस्पताल वगैरह? अस्पताल छोटा गाँव है तो यहाँ चिखली है और फिर सुखड़ी है। अच्छा, फिर अस्पताल लाने ले जाने मरीजों की कोई व्यवस्था वगैरह? हाँ, गाड़ी वगैरह रहती ना सुखड़ी, गाड़ी यानी सुखड़ी की आती है? सुखड़ी की आती है, हाँ। अच्छा, की। बताइए, और ले जाना है तो अदानी की। अच्छा, अदानी की भी गाड़ी आती है। अच्छा, अदानी पावर प्लांट में रोजगार की क्या व्यवस्था हो रही है इस गाँव को लेकर? अब ऐसा है, जैसे जैसे एजुकेशन है उस हिसाब से रोजगार मिलता है। कुछ लोगों ने हमें बताया कि कॉन्ट्रैक्टर के पास माध्यम से ही है, परमानेंट तो कोई नहीं है बोले वहाँ। परमानेंट नहीं है यहाँ से। यहाँ से कोई परमानेंट? यहाँ से परमानेंट नहीं है। अच्छा, यहाँ लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जरूरतमंदों को घर नहीं मिले हैं और जिनको घरों की आवश्यकता नहीं है ऐसे लोगों को मिले हैं हमको? नहीं नहीं, जरूरत लोगों को कुछ मिले हैं। अच्छा। और जिसे कुछ किसी कागज नहीं है, किसी कुछ नहीं है, ऐसे प्रॉब्लम से कुछ रुके हुए है। अच्छा, ऐसे? हाँ, ऐसे नहीं तो सबको मिले हैं। अच्छा, सभी को मिले? सभी को मिले। क्या नाम है आपका? दिलीप शाहरे। शाहरे जी, बताइए स्थानीय विकास निधि के अंतर्गत यहाँ क्या क्या काम हुए हैं, यानी आपको लगता है कि आपके गांव का विकास हुआ है? विकास तो हुआ है जी। अच्छा, विकास लेकिन हमें तो दिखा नहीं है आपके गांव का। तो कोने कोने में जाओगे तो विकास दिखेंगे ही दिखेंगे। नहीं तो कोने कोने में हम लोग यानी इस गांव के एंडिंग चौक पर भी गए, वहाँ भी कई लोगों से चर्चा की है और अभी वापस जाते समय भी हम लोग चर्चा कर रहे थे। तो आपके गाँव की सड़क की हालत काफी जंजर लग रही है हमें। नहीं, अच्छी जो है ना सड़क। अच्छा, आपके गांव में स्थानीय विकास निधि का एक सुलभ शौचालय भी देखा है हमने, है ना? तो वो सुलभ शौचालय लग रहा आपको किसी इस मकसद से बना हुआ है? नहीं, वो तो अभी बंद है। वो कितने वर्षों से बंद है? 3-4 साल हो गए। तो यानी उसके बाद अभी और कोई सुलभ शौचालय नहीं बना आपके गाँव में? नहीं बना, सार्वजनिक तौर पर नहीं बना हुआ है। नहीं। अच्छा, नालियाँ वगैरह आपके गाँव में अभी नई ऐसे कुछ बनी है? नालियाँ नहीं बनी, ये सारी पुरानी नालियाँ हैं। पुरानी नालियाँ? अच्छा अच्छा। तो जैसा कि इस गांव में पुरानी नालियां है और जो सुलभ शौचालय भी हमने जो हमारे दर्शकों को दिखाया है वो भी 3-4 साल पहले बना हुआ है और 2 साल पहले से वो बंद भी है, यानी उसकी अभी जंजर हालत आपने देख चुके हैं। ठीक इसी प्रकार अभी हम आपको दिखा रहे हैं इन्होंने जो एक दत्तक गांव लिया है उस गाँव में क्या क्या हाल है और क्या उस गाँव में रोजगार के साधन है। सड़कें नदारद है, बिजली जो इन्होंने हाई मास्ट लाइट लगाए है वह काफी दिनों से बंद पड़े हैं। आइए देखते हैं क्या है पूरा मामला। हम लोग इस वक्त पहुंचे हैं ये जो यहाँ के जो स्थानीय विधायक है विजय रांगडाले, इन्होंने इस गांव को विकास के लिए दत्तक लिया हुआ था। लगभग इस गांव का विकास क्या हुआ है यह गांव के लोगों से हम जानने का प्रयास करेंगे और यहाँ क्या क्या योजनाएं उनके माध्यम से इस गांव के विकासात्मक कार्यों में की गई है इसकी जानकारी अभी लेंगे हम। क्या नाम है भी आपका? मेरा नाम राहुल चुटे है। अच्छा चुटे जी, बताइए ये आपका जो गांव है ये दत्तक गांव है शायद, तो ये दत्तक गांव में विधायक रांगडाले ने क्या क्या काम किया? मेरे को तो अभी तक ये लगता है कि यहाँ पे हमारा गांव दत्तक लिया है आमदार ने, तो ऐसा लगता है कि मेरे हिसाब से तो कुछ भी डेवलप नहीं लग रहा है। अच्छा। ना ढंग से रोड है, ढंग से लाइट है। अच्छा। ना कुछ भी व्यवस्था नहीं लग रही है यहाँ पे। जैसा आपके हमारे पीछे एक स्ट्रीट लाइट जो है वो भी तो काफी दिनों से बंद है। काफी दिनों से बंद है, उसको केयर नजरअंदाज करके उसको कुछ नहीं कर रहे यहाँ पे। अच्छा अच्छा, आपको लगता है आपके गांव की नालियाँ सड़कें वगैरह बनी है बराबर? नालियाँ सड़कें तो बनी है लेकिन अतिक्रमण से पूरा भरा हुआ है हमारा गांव। अच्छा। और जो भी अतिक्रमण से बनाते हैं, जब पॉलिटिकल काम चलता है हमारे गांव में भी, जिसका भी जिसकी सरकार बैठी है वो बराबर अपनी हिस्से जाती है, हाँ। और जो गरीब आदमी को मार के उसका घर गिराएंगे, यही गिराएंगे। और हमारे आगे गांव में जाके आगे देखोगे इतनी सी छोटी सी गली है वो भी वहाँ पे अतिक्रमण है, लेकिन उसको कुछ नहीं नजरअंदाज कर रहे, लेकिन उनकी सरकार बैठे गांव में इसलिए। अच्छा।
तो हम लोग अभी इनसे जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा जीत हरिणखेड़े, नाम जीत अरविंद हरिणखेड़े। अच्छा हरिणखेड़े जी, बताइए आपका गांव जो है, यहाँ के स्थानीय विकास विधायक जो है विजय रांगडाली जी, उनका दत्तक गांव है, इस गांव में उनके माध्यम से क्या क्या काम हुए हैं? काम तो कुछ नहीं हुआ, एक दो काम हुए हैं बस, ये उनका अपना हाई स्मार्ट वगैरह वो नहीं क्या, हाँ हाँ लाइट लगा हुआ, लाइट लगा हुआ है उसका, वो पहली बार लगा है, इसके रिपेयरिंग नहीं हुई है अभी तक। अच्छा, या कितने दिनों से बंद है ये लाइट? ये सर एक साल हो गया। अच्छा, आपके गांव में रोजगार हमी के काम कितने दिन चले? वो नब्बे ये दो महीना, दो एक दो महीना हुआ होगा। अच्छा, एक दो महीना चले आपके गांव में। अच्छा मुझे एक बात बताइए, क्या लगता है आपको कि यहाँ के जो स्थानीय विधायक है वो सक्रिय विधायक लगेगा आपको कि निष्क्रिय विधायक लगेगा? निष्क्रिय चाहिए ना सर, क्या निष्क्रिय विधायक लगे आपको? अच्छा, यहाँ जो अदानी पावर प्लांट है, तो आपने कभी उस अदानी पावर प्लांट में जॉब वगैरह के लिए कभी विधायक से बात की है? बहुत बार किया सर। तो उन्होंने क्या जवाब दिया? बस सर कुछ नहीं, अदानी के बारे में कुछ हो नहीं सकता, बस ये हमको आंसर मिला है सर। नहीं, लेकिन जब अदानी पावर प्लांट जब यहाँ जमीन अधिग्रहित कर रहा थे, जब अधिग्रहण कर रहे थे, जब उनको जमीन दी गई थी, तब यहाँ के स्थानीय लोगों को रोजगार दिया जाएगा, यहाँ के लोगों को नौकरियाँ दी जाएगी, ऐसे वादे किए गए थे। तो ऐसे वादों के इसमें अब क्या पोजीशन है, यानी क्या हो रहा है लोगों सर? उसका कुछ रिस्पांस नहीं मिला हमको, हमने बोले बहुत बार उनको, बोले या गाँव के मेम्बर है, सरपंच को भी बोले, हमारे पार्टी के सरपंच है, ऐसा वैसा ऐसा है, किसी को कोई दोषी देने वाला काम नहीं है। अच्छा, पर मैं आमदार की तरफ एक गया था, उनके पीए रहते अदानी अपना खमारी के, अप्रेंटिस के लिए मैं इलेक्ट्रिशियन, आईटीआई है सर अपना, तो भी कुछ रिस्पांस नहीं है। अच्छा, तो यहाँ आने रोजगार आपको है ना, जगह नजदीक इंडस्ट्रीज रहती है, पावर प्लांट है, फिर भी आप लोगों को रोजगार के साधन नहीं है? कुछ नहीं है सर। तो इस गांव में आपने अभी विजय रांगडाली जी को कितने बार इस गांव में आते हुए देखे आपने? यहाँ से रोज जाते हैं सर। अच्छा, पर कुछ रिस्पांस मिलता नहीं, में नहीं आते क्या? बस आप अपने लोगों से नमस्कार चमत्कार वाला काम है, चल बस, और 13वीं मैयत बिल्कुल उनकी छुट्टी नहीं। अच्छा, कोई भी पार्टी का रहे बस। तो जैसा कि लोगों ने यहाँ के स्थानीय खमारी जो गांव है, इस गांव के चिखली करके गांव जो है, इस गांव के लोगों ने हमें बताया है अभी कि यहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं वो इस गांव में केवल नमस्ते वगैरह करने के लिए, हाय हेलो करने के लिए आते हैं, जबकि लोगों के जो रोजगार संबंधित, शिक्षा संबंधित और यहाँ की सड़कें, पानी, नल और बिजली के जो साधन होते हैं, इनकी कई अव्यवस्थाएँ हैं। ऐसी स्थिति में भी उन्होंने इस दत्तक गाँव को भी उन्होंने विकास से काफ़ी कोसों दूर रखा हुआ है। अभी हम लोग यहाँ एक शिक्षा का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा हमारे सामने आया हुआ है, हम उस पर भी चर्चा करेंगे। यहाँ क्या प्रॉब्लम है आपके स्कूल में? सर ZP स्कूल है, हाँ। जिला परिषद, उसमें बोरिंग की प्रॉब्लम है। अच्छा, और पानी का प्रॉब्लम है, हाँ। वाक चपरासी का प्रॉब्लम है, हाँ। लड़के बच्चे पहली से लेके सातवीं कक्षा, कौन सी क्लास तक के आपके गाँव में शिक्षा होती है? 1 से 7 तक के। अच्छा, पहले से फर्स्ट स्टैंडर्ड से 7 स्टैंडर्ड तक के आपके। अच्छा, ये हिंदी माध्यम की स्कूल है क्या? नहीं, मराठी, मराठी माध्यम की है। अच्छा, इस स्कूल में कितने लोग हैं, टीचर वगैरह कितने हैं? पूरे मैडम भैया, मैडम है और एक टीचर है। अच्छा, और बाकी लोग और क्या क्या वहाँ असुविधा है? तो सर वहाँ बोरवेल की सुविधा नहीं है, और अपना पानी दूषित है, दूसरे स्कूल में है, हाँ। और ये हमारे इसमें हाई स्कूल भी है, हाँ। 5वीं से लेके 10 तक। अच्छा, 10 तक है, मुझे 10वीं तक, हाँ हाँ। तो वहाँ का पानी दूषित है, हाँ। पानी की कुछ व्यवस्था है, बराबर है नहीं। अच्छा, ठीक है बस। और वहाँ बच्चे कुछ झाड़ू वगैरह मारते हैं सांप ने? वो यहाँ वो जिला परिषद, जिला परिषद में, जिला परिषद नहीं है, चपरासी नहीं है। अच्छा, चपरासी थी, लेडीज थी, निकाल दिया, वो निकाल दिए गए। अच्छा, उसके बाद में 2-3 साल हुआ, कुछ ही उसका रिस्पॉन्स नहीं है, ज्यादा हो रहा अभी। अच्छा, 3-4 साल हो गए लगभग। यहाँ शिक्षा की भी जो साधन है और शिक्षा से संबंधित जो भी यहाँ के लोगों से हमने भी जानकारी ली है कि यहाँ जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जो सफाई कामगार होता है स्कूल में, वो उसका पद रिक्त रहने की वजह से बच्चों के हाथों से लगभग वो झाड़ू पोछे का काम किया जाता है। ऐसे इस गाँव में कई समस्याएं हैं। मैं कैमरामैन नीलेश पसीने के साथ निशान भी। दर्शकों, फिलहाल वक्त हो चला है ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखते रहिएगा हमारा यह खास प्रोग्राम, विधानसभा चुनाव पर विधायकों की राजनीति का क्या है असर।
बने रहिए एमएनएस न्यूज के साथ। हेलो, ओए तूने आज हाउस वार्मिंग पार्टी रखी है, मुझे क्यों नहीं बुलाया? सर कैफ यू यार। पर हाँ, मैंने भी अपने घर पे रॉयल मिर्ची लगाया है। सो रणबीर, उसका एंटी बैक्टीरियल टेक्नोलॉजी बैक्टीरिया को किल कर देता है ना। पर मेरे और बैक्टीरिया में क्या कनेक्शन? सो फनी। थैंक यू। ए केयरफुल। व्हाट? एशियन पेंट्स रॉयल हेल्थ शील्ड, इसकी एंटी बैक्टीरियल टेक्नोलॉजी दीवारों पे लगे बैक्टीरिया को किल करे और घर को रखे सेफ। रॉयल हेल्थ शील्ड, द पेंट दैट केयर्स फॉर यू।